हेलो गाइस, वेलकम टू बीके ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश का पहला चैप्टर हॉर्नबिल बुक से द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसके लेखक है खुशवंत सिंह। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमेन। तो मेरी दादी माँ, लेखक बोल रहे हैं कि उनकी दादी माँ जो थी वो सबकी दादी माँ की तरह काफ़ी बूढ़ी थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स डैट आई हैड नोन हर। तो लेखक बोल रहे हैं कि वो उनको 20 साल से जानते हैं उनको, मतलब, और वो 20 साल से क्या है, वो उतनी ही बूढ़ी है और उतनी ही उनके चेहरे पे झुरियाँ हैं जितना कि वो पहले बचपन से, जब 20 साल तक के हो गए हैं लेखक, तब तक वही उनका चेहरा वैसा ही है उनकी दादी माँ का। पीपल सेड डैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। लोग कहते हैं कि वो एक ज़माने में क्या थी, यंग थी, जवान थी और प्रीटी, खूबसूरत थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था, पति भी था। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन लेखक के लिए ये विश्वास करना मुश्किल था कि उनकी दादी माँ का एक पति भी था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम। तो लेखक बोल रहे हैं कि उनके दादाजी के जो पोर्ट्रेट, मतलब पिक्चर, उनका दादाजी का जो पिक्चर है वो टंगा हुआ है अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस मतलब फायर प्लेस का ऊपर का जो जगह होता है उसको बोलते हैं मेंटल पीस। तो वहाँ पर उनके दादाजी का फोटो टंगा हुआ है इन द ड्रॉइंग रूम। ही वोर अ बिग टर्बन, वो एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए हैं। हीज लॉन्ग एंड वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। तो उनकी जो लंबी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी जो थी वो उनके चेस्ट को ढकी हुई थी और वो लगभग 100 साल बूढ़े लग रहे थे वो। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन। उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका कोई पति पत्नी भी होगा या फिर कोई बच्चा भी होगा। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रेन। उनको देख के सिर्फ एक ही आइडिया आता है मन में कि उनके बहुत सारे पोते पोती होंगी, मतलब वो इतने बहुत बूढ़े लग रहे थे देखने में। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। और जहाँ तक मेरी दादी का सवाल है कि वो एक ज़माने में जवान थी और खूबसूरत थी, अट्रैक्टिंग थी, तो ये ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विश्वास करना मुश्किल है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का मतलब होता है कि टू हार्ड टू बिलीव, बिलीव करने में काफ़ी मुश्किल हो ये बात, मतलब लेखक को विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी दादी माँ एक ज़माने में अट्रैक्टिव थी। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। तो उनकी जो दादी माँ थी, खुशवंत सिंह के जो दादी माँ, वो अक्सर अपने बचपन के जो खेल थे वो सब उन्हें बताती थी। डैड सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। लेकिन जब ये दादी माँ ये सब गेम बताती थी तो उनको इतना अच्छा नहीं लगता था ये सब गेम बताते हुए, उनको लगता था कि ये सब कोई छोटा मोटा गेम है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस। लेकिन हम वो कहानी में काफ़ी दिलचस्पी से सुनते थे और हमें लगता था कि वो फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, लगता था कि कोई भगवान का कोई मैसेज आ रहा है हमारे पास, इतना अच्छा कहानी लगता था वो सुनने में। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो वो हमेशा से ही थोड़ी नाटी रही है, थोड़ी मोटी रही है और हल्का सा कमर की तरफ से झुकी हुई है वो। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर इतनी सारी झुरियाँ थी, ऐसा लग रहा था कि कौन सा झुरी कहाँ से, हर जगह से झुरियाँ ही झुरियाँ थी उनके चेहरे पर। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। लेकिन इतना पक्का है कि जब से हम उन्हें जाने हैं तब से वो वैसी की वैसे ही दिख रही है। कितने साल से वो उनको जान रहे हैं, 20 साल से। ओल्ड सो टेरेबली ओल्ड डेट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वो इतनी बूढ़ी है कि लग रहा था कि अब उससे ज़्यादा कोई बूढ़ा नहीं हो सकता है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और लेखक बोल रहे हैं कि वो सेम वैसे ही दिख रही है 20 सालों में, कोई अंतर नहीं आया है उनके चेहरे पर। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो उतनी अट्रैक्टिंग तो नहीं होगी लेकिन वो हमेशा से सुंदर रही है। अब यहाँ पे दो वर्ड है, प्रीटी नहीं थी लेकिन ब्यूटीफुल थी, इस वर्ड का मतलब क्या है? तो दो वर्ड है प्रीटी और ब्यूटीफुल, इसका मतलब समझना होगा। प्रीटी मतलब हम लोग बोलते हैं कि बाहरी खूबसूरती को बोलते हैं प्रीटी, और ब्यूटीफुल मतलब हम लोग इनसाइड ब्यूटी को बोलते हैं ब्यूटीफुल, अंदर से कोई खूबसूरत है तो उसको बोलेंगे ब्यूटीफुल। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि आप मेकअप लगा के प्रीटी तो बन सकते हैं लेकिन ब्यूटीफुल नहीं बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा ये प्रीटी और ब्यूटीफुल। तो वही लेखक बोल रहे हैं कि वो प्रीटी तो नहीं थी लेकिन वो ब्यूटीफुल जरूर थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी।
हॉबल्ड, हॉबल्ड मतलब लंगड़ा के चलना, टू वॉक विद डिफ़िकल्टी। वो काफ़ी धीरे धीरे चलती थी घर में, इन स्पॉटलेस वाइट और सफ़ेद साड़ी में वो चलती थी, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ उनके कमर पे होता था टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि उनका झुकाव जो है वो बैलेंस हो जाए थोड़ा, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथों में जाप माला करती रहती थी वो। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटेडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। तो सिल्वर लॉक्स, उनके जो बाल थे वो काफ़ी वाइट वाइट थे, तो सिल्वर कलर के थे वो, और वो उनके चेहरों पर बिखरे हुए थे, और पेल, उनका चेहरा पेल था, कलरलेस था, येलोइश था, और पकर्ड, पकर्ड का मतलब होता है आपका रिंकल्ड, तो रिंकल्ड फेस था, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, लेकिन उनके होठों पे हमेशा एक प्रेयर चलता रहता था, और वो प्रेयर क्या था, इनऑडिबल था, जिसे कोई सुन ना सके, मतलब वो अपने में ही बड़बड़ाती रहती थी। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो यहाँ पे लेखक अपनी दादी माँ को कंपेयर कर रहे हैं विंटर लैंडस्केप से इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में जो विंटर का टाइम में जो सीन होता है वाइट वाइट, वैसा ही उनकी दादी माँ भी देखने में लगती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो पूरा ही सफ़ेद सफ़ेद था उनका इन्वायरमेंट, उनका नेचर, और काफ़ी वो शांति से पीसफुल थी और कंटेंट, अपने आप में सेटिस्फाइड थी। अब आगे देखते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो लेखक और उनकी दादी माँ काफ़ी अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। तो मेरे मम्मी पापा जो क्या किए थे, वो मुझे छोड़ गए थे दादी माँ के साथ में, और मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए, सिटी में, शहर में चले गए रहने के लिए, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, और हम लोग एक साथ रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जगाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो वो जब सुबह जब वो लेखक को नहलाती थी और उसने जब तैयार करती थी, तो वो क्या करती थी, मॉर्निंग प्रेयर को गाना गा के सुनाती थी। मोनोटोनस मतलब बोरिंग, वही बोरिंग तरीके से गाना गाती थी वो, और ये आशा में गाना गाती थी कि लेखक भी उसको सुनेंगे तो उन्हें याद हो जाएगा, लेकिन लेखक सुनते थे तो ज़रूर, लेकिन उसको याद नहीं करते थे। I listened because I loved her voice. लेखक इसलिए सुनते थे उनकी गाना को क्योंकि उन्हें उनका आवाज़ काफ़ी पसंद था, but never bothered to learn it. लेकिन उन्होंने कभी याद करने का कोशिश नहीं किया। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen inkpot and a red pen, tie them all in her bundle and hand it to me. उसके बाद वो क्या करती थी, नहा के तैयार करने के बाद वो करती थी कि वुडन स्लेट ला के देती थी, जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से साफ़ किया होता है, और उसको प्लास्टर कर देती थी येलो चौक के साथ में, और उसके साथ एक टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक इंक का बोतल देती थी उनमें, और एक रेड पेन देती थी। टाई दे मॉल इन अ बंडल, सभी को एक बंडल में बांध कर हैंड इट टू मी, वो लेखक को दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। तो उसके बाद उन्होंने वो नाश्ता करते थे, दोनों जन मिलकर नाश्ता करते थे। नाश्ते में क्या होता था, स्टेल चपाती मतलब रात का बना हुआ बासी चपाती होगा, विथ लिटल बटर के साथ में और शुगर के साथ में वो लोग नाश्ता करते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और उनकी दादी माँ जो थी वो साथ साथ कुछ और भी स्टेल चपाती कुछ ले जाती थी अपने साथ में, ताकि जो रास्ते में जो कुत्ते लोग मिलेंगे उनमें वो खिला पाए। उस लिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। तो मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी क्योंकि वो स्कूल जो था टेम्पल के साथ अटैच में था, पास ही में टेम्पल था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहाँ के जो पंडित जो थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन द रोज ऑन इधर साइड ऑफ द वरेंडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, द माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो हम बच्चे लोग एक रो में बैठ कर, एक लाइन में बैठ कर बरंडा में हम लोग क्या तो अल्फ़ाबेट गाते थे या फिर प्रेयर गाते थे, कोरस मतलब सब मिल के एक साथ में गाते थे सभी बच्चे। और उतने समय तक उनकी दादी माँ जो थी वो इनसाइड बैठती थी टेम्पल के इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और कुछ किताब उताब पढ़ती थी वहाँ पर। When we had both finished, और जब हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता था, we would walk back together. हम लोग दोनों वापस घर आते थे
और दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल, और इसी समय एट द टेम्पल डोर, और इसी समय जो गांव के जो कुत्ते लोग थे वो लोग हमें टेम्पल के जो डोर थे वहाँ पर इंतजार करते हुए मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, और वह हमारे पीछे पीछे लड़ते झगड़ते आते थे। फॉर द चपातीज विथ रितु डैम, हम लोग क्योंकि रोटी तोड़ तोड़ के फेंकते थे तो वो लोग आपस में लड़ते थे कि कौन वो रोटी खाएगा, तो ऐसे करते करते वो लोग घर तक आते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लाइक की भी कर सकते हैं आप वीडियो को। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. तो जब मेरे मम्मी पापा सिटी में जाकर अच्छे से सेटल हो गए तो उन्होंने सेंट फॉर अस, मतलब उन्होंने हमें बुलाया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यही टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कि अ ड्रास्टिक चेंज, बहुत ही बड़ा चेंज आया हमारे फ्रेंडशिप में। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, हम दोनों एक ही रूम में रहते थे लेखक और उनकी दादी माँ। लेखक का नाम क्या है? खुशवंत सिंह। और उनकी दादी माँ एक ही रूम में रहते थे, लेकिन मेरी दादी माँ अब मुझे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, लेखक एक इंग्लिश स्कूल में जाने लग गए और एक बस में बैठ के जाते थे वो। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और रास्ते में कोई कुत्ते भी नहीं थे वहाँ पर, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्पैरोज को वो अब खाना खिलाती थी, और उनके आंगन में सिटी हाउस के जो आंगन था वहाँ पर स्पैरोज को वो फीड करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई का मतलब पास्ट, एज द ईयर्स पास्ट वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम लोगों का मुलाकात और कम होते चला गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ दिनों तक तो वो मुझे जगाती रही सुबह में एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क, और जब हम स्कूल से वापस आते थे तो वो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया गया, उनके टीचर ने उन्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, तो हम उन्हें बताते थे कि मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड सीखा है और कुछ साइंस के बारे में सीखा है, ये सब चीज़ बताते थे। लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सीखा है, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, ये सब चीज़ मैंने सीखा है। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन ये सब सुन के उन्हें काफ़ी दुख होता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, तो वो मुझे मेरे पढ़ाई में हेल्प तो नहीं कर पाती थी क्योंकि वो सब इंग्लिश में था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट अस एट द इंग्लिश स्कूल, और उन्हें ये सब इंग्लिश स्कूल के जो पढ़ाई थे उनमें उन सब में उनका विश्वास नहीं था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड डैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वो काफ़ी टेंशन में रहती थी कि वो स्कूल में भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो ये है फिर, तो बोल सकते हैं कि दादी माँ जो थी वो लेखक के इंग्लिश स्कूल में जाने से दुखी थी, और दुखी होने का कारण क्या था, नंबर वन तो वो उनको लेसन में हेल्प नहीं कर पा रही थी, और नंबर टू रीज़न क्या होगा, उन्हें इंग्लिश स्कूल का जो लेसन से उन पर उसको बिलीव नहीं है, और उनको क्या था, ये भी टेंशन था कि इंग्लिश स्कूल में नो टीचिंग अबाउट गॉड, गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, तो इन तीन चीज़ों से उन्हें दुखी था, थोड़ा दुख था। वन डे आई अनाउंस डैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, तो एक दिन लेखक क्या करते हैं, दादी माँ को बोलते हैं कि हमें अब म्यूजिक लेसन सिखाया जा रहा है स्कूल में। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इतना सुनते ही दादी माँ काफ़ी टेंशन में आ गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड सेंसेशंस, उनके लिए म्यूजिक का मतलब कुछ वल्गर होता है, असिस्ट बोल सकते हैं हिंदी में, उम्मीद करते हैं आप वल्गर वर्ड का मतलब जानते होंगे। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, उनके लिए ये जो म्यूजिक है वो वेश्याओं लोगों का काम है और बेगर्स लोगों का काम है, एंड नॉट फॉर जेंटल फॉल्क, एक सज्जन व्यक्ति के लिए म्यूजिक नहीं है, ये दादी माँ का ऐसा ख्याल था। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ नहीं कहा म्यूजिक का लेसन सुनने का बाद बस, लेकिन वो जब कुछ नहीं बोलती है उसका मतलब ही क्या होता है कि वो निराश है, वहाँ पर डिसअप्रूव कर रही है। और बार बार नॉइज आ रहा है, आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट, उसके बाद उनकी दादी माँ जो थी उनसे बात करना बहुत कम कर दी, बहुत ही रेयरली बात करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, तो लेखक अब स्कूल पढ़ चुके थे और यूनिवर्सिटी में चले गए, मतलब कॉलेज में चले गए। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे अपना रूम मिल गया, एक पर्सनल रूम। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, तो एक जो फ्रेंडशिप का जो एक ही जो कॉमन लिंक था वो था रूम, सिर्फ रूम ही तो दोनों शेयर करते थे, अब वो रूम भी छिन गया।
तो वही, तो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, वो टूट गया वो लिंक। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सोल्यूशन विथ रेजिग्नेशन। सोल्यूशन का मतलब होता है कि लोनलीनेस, तो उन्होंने अपना अकेलापन को स्वीकार कर लिया बिना कुछ प्रोटेस्ट किए बिना। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो क्या करती थी, दिन भर चरखा चलाती थी और किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक, सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो चरखा चलाती थी और चरखा चलाते चलाते अपना प्रेयर्स को जाप करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और सिर्फ दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी और स्पैरोज को खाना खिलाती थी। वाइल सी सैट इन द वरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। तो जब वो वरेंडा में बैठकर वो ब्रेड जो था उनका छोटा छोटा टुकड़ा करती थी, तो तब क्या होता था कि हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, लगभग बहुत सारे चिड़िया, सौ चिड़िया उड़ के आते थे और उनके आसपास बैठ जाते थे, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स, और काफ़ी ज़्यादा हल्ला शोरगुल कर देते थे वहाँ पर उनके आसपास में चिरपिंग से। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ तो आते थे और पर्च मतलब सीट, और उनके पैरों पर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ तो स्पैरोज ऐसे होते थे जो उनके कंधों पर बैठ जाते थे। एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, तो उनके वो दिन भर का सबसे खुशी भरा आधा घंटा बीतता था वो। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो जब मैं यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि अब्रॉड जाऊँगा, बाहर जाऊँगा आगे का स्टडीज़ के लिए, तो मैं ये पक्का श्योर था, लेखक पक्के श्योर थे कि उनकी दादी माँ जो थी वो क्या हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, लेखक 5 साल के लिए बाहर जा रहे थे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और लेखक बोल रहे थे कि जो दादी माँ का जो उम्र हो गया है, क्या पता हम 5 साल बाद उनसे मिल पाए कि नहीं वापस। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को पता था कि क्या होने वाला है आगे। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो एकदम ही भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो मुझे छोड़ने तो आई रेलवे स्टेशन तक लेकिन एक शब्द बात नहीं की वो, और कोई इमोशन भी नहीं दिखा उनमें। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठों पे अभी भी प्रेयर चल रहा था। और हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग प्रेयर में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और वो अपने उंगली से हमेशा माला के मोतियों को गिन रहे थे। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज पर हैव द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और जो चुपके से क्या कि लेखक को चूम ली उनके कपाड़ पर, और लेखक को काफ़ी ये पसंद आया और वो सोचे कि चलो ये शायद लास्ट मॉइस्ट इम्प्रिंट होगा, मतलब जब किस करेंगे तो थोड़ा तो वहाँ भीग जाएगा ना, तो वो फिर वही मॉइस्ट इम्प्रिंट लास्ट, लेखक सोचे कि चलो लास्ट टच था मेरी दादी के साथ में। बट डैट वॉज नॉट सो, लेकिन लेखक जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, लेखक 5 साल अब्रॉड पढ़ने का बाद वापस घर आ गए। एंड वॉज मेड बाई हर एट द स्टेशन, और लेखक आके देखे कि दादी माँ अभी भी स्टेशन पे उनका उनको रिसीव करने के लिए आई हुई है, मतलब वो अभी भी जिंदा है। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और अभी भी वो उतनी ही बूढ़ी लग रही है जितना वो पहले थी, एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही है वो। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी उनके पास समय नहीं था बात करने के लिए। एंड वाइल सी क्लैश्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब वो दोनों एक दूसरे के गले मिले तो लेखक को सुनाई पड़ा कि अभी भी वो प्रेयर्स का जाप कर रही है वो। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज हुम सी फेड लॉन्गर विथ फ्रिवोलस रिमार्क्स, और जब लेखक फर्स्ट डे जो थे वहाँ पर आए हुए थे, अभी भी वो दादी माँ क्या चीज़ में बिजी थी, स्पैरोज के साथ बिजी थी और जिनको वो खिलाती थी, और फ्रिवोलस रिमार्क्स के साथ हल्का फुल्का डांटती थी लेकिन लाइट हार्टेड, उतना दिल से नहीं, मतलब जा जा ऐसा करके डांटती थी बस चिड़िया लोग को। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम को क्या हुआ, एक बदलाव देखने को मिला। सी डिड नॉट प्रे, उस दिन उन्होंने प्रे नहीं किया। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, वो आसपास की महिलाओं को इकट्ठा की। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोलक ले ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ब्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, तो कुछ घंटों तक लगातार वो सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, डिलैपिडेटेड मतलब ओल्ड और टॉर्न, ठीक है। वो जो ढोलक था वो फटा हुआ ढोलक को ही पीटे जा रही है वो कुछ घंटों तक।
एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, और ये गाना वो गाई होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम लोग उन्हें प्रार्थना किया कि दादी जी रुक जाइए कहीं कुछ हो ना जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, और लेखक का ये पहला एक्सपीरियंस था कि लाइफ में कि वो उन्होंने उनकी दादी माँ जो थी वो प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई उनकी दादी माँ। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, काफ़ी हल्का बुखार था, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस डैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने बताया कि ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ की सोच कुछ और ही थी। सी टोल्ड अस डैट हर एंड वॉज नियर, दादी माँ बोली कि उनका अंत वो निकट आ गया है, वो मरने वाली है। सी सेड डैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। तो उन्होंने, उनकी दादी माँ ने कहा कि चूँकि उन्हें मरने में अब कुछ ही क्षण रह गए हैं और वो प्रार्थना करना बंद नहीं कर सकती है, इसलिए वो बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेगी और वो अब क्या करेगी, प्रेयर करेगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना किया दादी ऐसा मत कीजिए, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने एक ना सुना। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, वो अपने बेड पर लेट गई और अपना फिर से जापमाला करने लग गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और हमें इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, पता नहीं कब ना कब क्या हुआ, उनका होठ जो था वो मूव करना बंद हो गया और जो जापमाला जो थी वो उनके हाथों से गिर पड़ी, मतलब अब दादी माँ क्या हो गई, मर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ओवर हर फेस एंड वी न्यू डेट सी वॉज डेड, और उनके चेहरे पर पीसफुल मतलब काफ़ी शांतिमय पैलर, पैलर मतलब पेलनेस, पीलापन, पीलापन आ गया चेहरे पर और हम लोग समझ गए कि वो मर गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने उन्हें बेड से उतार दिया। एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और जैसा कि हम लोग का रीत है कि हम लोग उन्हें उतार के ग्राउंड पर रख दिए और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिए। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर अवर फनरल, तो कुछ घंटे शोक में रहने के बाद हम लोग क्या किए, हम लोग उन्हें अकेला छोड़ दिए और हम लोग गए अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और शाम को हम लोग उनके रूम में गए स्ट्रेचर के साथ में ताकि उन्हें क्या ले जा सके, क्रीमेटेड मतलब जलाने के लिए ले जाया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, तो हमने देखा कि सन ढल रहा है। एंड हैड लिट हर रूम एंड बरंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, लेकिन जब सन ढल रहा है तो उन सन का जो गोल्डन लाइट है वो बरंडा और रूम में पूरा रोशनी किए हुए था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम लोग आंगन में ही रुक गए आधे रास्ते में ही। ऑल ओवर द बरंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज हैड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो हमने देखा कि ठीक कोर्ट यार्ड आंगन से लेकर बरंडा से लेकर उनके रूम तक जहाँ तक उनका लाश पड़ा हुआ था, डेड और स्टिफ काफ़ी सख्त पड़ा हुआ था उनका लाश, तो हम लोग देखा कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज लगभग हजारों स्पैरोज जो थे वो फ्लोर पर बैठे हुए हैं। देर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन वो लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, कोई चर्पिंग नहीं कर रहा, एकदम साइलेंट था वहाँ पर। वी फील्ड सॉरी फॉर द बर्ड्स, मतलब चिड़िया भी समझ गई है कि उनकी जो उनसे जो प्यार करती थी दादी माँ वो अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो हमें काफ़ी दुख हुआ चिड़िया के लिए कि वो लोग भी काफ़ी अफसोस कर रहे हैं। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ जो थी वो कुछ ब्रेड तोड़ के लाई और उन्हें दी। सी ब्रोक इट इन टू क्रम्स, ब्रेड को काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दी, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसी मेरी दादी करती थी वैसे ही मेरी माँ ने भी उस ब्रेड को तोड़ा। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें दिया खाने के लिए चिड़िया लोग को। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन देखिए आश्चर्य का बात क्या हुआ, स्पैरोज ने उस ब्रेड की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी, लाश, तो जब हमने दादी माँ की लाश को उठाया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो दादी माँ चली गई जलने के लिए और उनका बॉडी चला गया जलने के लिए, तो सारी चिड़िया जो थी वो चुपचाप वहाँ से उड़ के अपने घर चले गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, और अगली सुबह वो स्वीपर आया और सभी ब्रेड का जो टुकड़ा था उसको झाड़ू से बाहर के डस्टबिन में डाल दिया। तो यही है फिर ये स्टोरी। तो इस स्टोरी में ग्रैंड मदर का जो लाइफ है उसका तीन फेज दिखाया गया है, ग्रैंड फादर और नरेटर का जो रिलेशनशिप है वो तीन फेजों में बताया गया है। पहला फेज तो ये था कि जब वो दोनों लेखक जब छोटे थे और जब वो लोग विलेज में रहते थे तो दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, टेम्पल जाते थे, वो एक फेज था। सेकेंड फेज कब आया,
जब दोनों क्या करने लग गए, जब सिटी में शिफ्ट हो गए और लेखक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लग गए, तब उनका जो कॉमन फ्रेंडशिप था वो थोड़ा टूटने लग गया। और थर्ड फेज क्या हुआ, जब लेखक अब्रॉड चले गए तब तो और भी दोनों में बातचीत नहीं होता था, और ग्रैंड मदर जो थी वो स्पिनिंग व्हील में अपना टाइम बिताती थी और स्पाइडर्स को फीड करके टाइम बिताती थी। तो ये तीन फेज है जो इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है, और काफ़ी इमोशनल स्टोरी था ये। तो ये स्टोरी यहीं पे एंड होता है। तो गाइस, कैसा लगा आपका आज का वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आपको एक चीज़ समझ में आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, यहाँ पे आपको जितने भी क्लास 11 के इंग्लिश के वीडियोस हैं जो पिछले साल मैंने बनाया था वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें से कुछ कुछ वीडियोस बहुत ही पुराने टाइप के हैं तो उसको हम जरूर रिप्लेस कर देंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी के चैप्टर सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही बताना है। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।